जो आपके कंफ्यूजन को दूर किया जाता है कि स्टील ओएट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, किसके बाद करेंगे, कहाँ पर उसकी पोजीशन रहेगी, वो बताते हैं हम आज आपको। तो देखिए, स्टील और एट दोनों के माने ही होता है अभी तक या अब तक। जब इनका सेंस होगा अभी तक या अब तक, तो हम स्टील का प्रयोग कहाँ करेंगे वो देखते हैं। पहला यूज लिखा हुआ है व्हेन इट इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब जब अफर्मेटिव सेंटेंस हो। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब जब वो सब्जेक्ट से शुरू हो, फुल स्टॉप पर खत्म हो, तो हम स्टील का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद में करेंगे। जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है राम इज स्टील स्लीपिंग, राम अब भी सो रहा है, तो हमने स्टील का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद किया हुआ है। अगर हमारा वाक्य निगेटिव सेंटेंस होगा, व्हेन इट इज ए निगेटिव सेंटेंस, जब अगर वाक्य निगेटिव सेंटेंस होगा तो हम स्टील का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, लास्ट में नहीं। स्टील प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड, फॉर्मूले टाइप में मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है। एग्जांपल, स्टील फिर मारना होगा हमें थोमा, ही डिडंट गेट अप, अब भी वह नहीं उठा। स्टील ही स्लीपिंग, स्टील इज नॉट स्लीपिंग, वह अब भी सो नहीं रहा। अगर हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमारा स्ट्रक्चर इस प्रकार से रहेगा, हेल्पिंग वर्ब पहले, ये क्वेश्चन वर्ड वाला वाक्य है तो फिर क्वेश्चन वर्ड आगे, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, स्टील, अदर वर्ड में अभी वगैरह सब ले लेंगे हम। तो एग्जाम्पल देखिए, डू यू स्टिल स्मोक, क्या तुम अब भी धूमपान करते हो। रेडी, स्टील के प्रयोग के बाद, स्टील का प्रयोग हम वही तीन कैटेगरी में करेंगे, उसके बाद हम येट के बारे में जान लेते हैं। लिखा हुआ है वी कैन यूज येट इन द बिगनिंग और इन द एंड ऑफ ए सेंटेंस, मतलब या तो हम एकदम शुरुआत में येट का प्रयोग करेंगे या फिर इन द या फिर लास्ट में, उसका कोई मतलब नहीं है, आगे पीछे आप कहीं पर भी कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर येट ही इज स्लीपिंग, ही इज नॉट स्लीपिंग, तो हमने यहाँ पर पहले करके दिखाया, यहाँ पर लास्ट में, दोनों ही वाक्य सही है। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करते रहें और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।